स्वामी एंड फ्रेंड्स शायद हम में से काफी लोगों की बचपन की यादों का हिस्सा है। मालगुड़ी डेज तो जरूर याद होगा आप सबको, जो 1986 से दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था। ये मालगुड़ी नाम के एक काल्पनिक नगर में घटी घटनाओं पर आधारित कहानियों का संग्रह था और इस सीरियल की शुरुआत हुई थी स्वामी एंड फ्रेंड्स एपिसोड से। एक प्यारा सा मासूम सा 10 साल का लड़का, इतना रियलिस्टिक किरदार गढ़ा आरके नारायण ने कि आज तक स्वामी और उसके दोस्त हम सबके दिलों में बसे हुए हैं। ये ऑथर आरके नारायण, जो कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश ऑथर्स में से हैं, की पहली किताब है जो 1935 में पब्लिश हुई और बेशक उनकी सबसे फेमस कृति भी है। कहानी है स्वामीनाथन नाम के एक लड़के की, जो कि मालगुड़ी नाम के नगर में रहता है, जो कि दक्षिण भारत का एक काल्पनिक नगर है। नारायण इसमें उस 10 साल के शरारती पर मासूम लड़के स्वामी की नजरों से दुनिया दिखाते हैं। समाज की रूढ़ियां, जीवन के संघर्ष, दोस्ती, यारियां और बचपन की शरारतें सब। कहानी की पृष्ठभूमि पराधीन भारत की है, जब ब्रिटिश राज था। ये सारी कहानियां और घटनाएं नारायण के खुद के जीवन से इंस्पायर्ड हैं, उनके बचपन से जो उन्होंने मद्रास और मैसूर में बिताया। तो आइए सबसे पहले कहानी के मुख्य पात्रों से आपका परिचय करवाती हूँ। कहानी का प्रोटैगनिस्ट है स्वामी या स्वामीनाथन। ये एक छोटा सा स्कूल जाने वाला लड़का है, जो कि अपने माता पिता और दादी के साथ मालगुड़ी में रहता है। ये अल्बर्ट मिशन स्कूल जाता है और मनी, शंकर, सोमू, सैमुअल और राजम इसके दोस्त हैं। स्वामी थोड़ा आलसी है और स्कूल और पढ़ाई से जल्द ही बोर हो जाता है, पर वो अच्छी क्रिकेट खेलता है और उसे अपनी दादी से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। स्वामी हर घटना पर अपना एक नजरिया रखता है और कभी कभी अपने पिता से झूठ भी बोलता है। अगला पात्र समूह है स्वामी का परिवार, जिसमें उसके पिता W.T. श्रीनिवासन हैं, जो कि एक वकील हैं, बाहर से सख्त पर स्वामी की चिंता करने वाले हैं। माता लक्ष्मी, जो कि पूरा घर संभालती हैं और स्वामी को अपने पिता के रोष से भी बचाती है उसका साथ देकर। स्वामी की दादी, जो कि एक धार्मिक महिला है और स्वामी को कहानियां सुनाती हैं। स्वामी का एक छोटा भाई सुब्बू भी है, जिसकी नॉवल के मध्य में एंट्री होती है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण पात्र समूह है स्वामी के दोस्त, जो कि उसके साथ अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ते हैं। पहला मनी। मनी एक बहादुर और तगड़ा लड़का है, जिसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है और जिसे लड़ाई करने का शौक है। दूसरा सोमू, जो कि स्वामी की क्लास का मॉनिटर है, स्वामी उसे क्लास का अंकल बुलाता है। तीसरा है शंकर, जो कि क्लास का सबसे तेज बच्चा है और स्वामी उसकी इज्जत करता है। चौथा है सैमुअल, जिसे उसके दोस्त द पी बुलाते हैं उसकी हाइट की वजह से। और पांचवा राजम, जो कि अल्बर्ट मिशन में नया आया था। पहले उसकी स्वामी से नहीं बनी, पर बाद में दोनों अच्छे दोस्त हो गए थे। राजम पुलिस सुपरिंटेंडेंट का लड़का था, पढ़ने में काफी अच्छा था और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। वो मालगुड़ी क्रिकेट क्लब का कैप्टन भी था। इनके अलावा कुछ और पात्र भी हैं कहानी में, जो कहानी को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आइए अब कहानी सुनते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स एक छोटे मासूम पर शरारती लड़के स्वामीनाथन की कहानी है, जो अपने माता पिता और दादी के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में दक्षिण भारत के मालगुड़ी नाम की जगह में रहता है। वो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। वैसे पढ़ाई करनी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और स्कूल से उसे बोरियत होती है। स्वामी का सबसे अच्छा दोस्त है मनी, जो कि काफी लंबा तगड़ा है और हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है, हालांकि वो पढ़ाई में फिसड्डी है और कई बार फेल हो चुका है। उनके स्कूल में एक नया लड़का राजम आता है, जो कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट का बेटा है और काफी धनी और होशियार है। शुरुआती नापसंदगी के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
बल्कि तीनों, स्वामी मनी और राजम की तिकड़ी बन जाती है। स्वामी के कुछ और दोस्त भी हैं, शंकर सोमू और द पी, जिसका असली नाम सैमुअल है। सैमुअल की छोटी कदकाठी के कारण उसे पी यानी मटर बुलाया जाता है। ये स्वामी के ग्रुप का इकलौता क्रिश्चियन लड़का है, जो कि कभी कभी अपने धर्म के कारण खुद को ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार मानता है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है वो बता दिया है। अब लेखक ने स्वामी के जीवन में घटी घटनाओं को सिलसिलेवार बताते हुए शुरुआत एक सोमवार की सुबह से की है, जो कि कुछ खास अच्छी नहीं रही स्वामी के लिए। स्वामी सुबह सुबह अपना अधूरा होमवर्क पूरा करके स्कूल पहुंचता है। उसे स्कूल में बहुत जल्द बोरियत होने लगती है। मैथ्स में खराब ग्रेड्स मिलते हैं और रही सही कसर उसके स्क्रिप्चर के टीचर उसका कान मरोड़कर पूरी कर देते हैं। असल में उसकी अपने स्क्रिप्चर के टीचर मिस्टर एबेनेजर से बहस हो जाती है। मिस्टर एबेनेजर, जो कि एक कट्टर क्रिश्चियन है, हिंदू भगवान को जीसस के मुकाबले कमतर बताते हैं और स्वामी इसका विरोध करता है। जब घर पर वो ये घटना बताता है तो उसके पिता इस घटना की निंदा करते हुए हेडमास्टर के नाम एक पत्र लिखते हैं। पत्र का असर ये होता है कि हेडमास्टर उस टीचर को डांट लगाते हैं। स्वामी ये पत्र वाली बात अपने दोस्तों को भी बताता है, जो कि इसे सही ठहराते हैं। अगले चैप्टर में किस तरह मनी और क्लास के नए लड़के की दुश्मनी के बाद दोस्ती होती है ये बताया गया है। अब स्वामी, मनी और नया लड़का राजम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसके अगले चैप्टर में स्वामी की दादी का इंट्रोडक्शन होता है, जो उनके साथ ही रहती है। स्वामी दादी से अपने दिल की बातें कर पाता है, हालांकि कभी कभी उसे लगता है कि वो शायद ही सुन रही है। वो दादी को अपने नए दोस्त राजम के बारे में बताता है। ऐसा लगता है कि वो राजम से काफी इम्प्रेस्ड है। एक दिन वो मनी के साथ राजम के घर जाता है और उसका रिच लाइफस्टाइल देखकर काफी प्रभावित होता है। स्वामी के बाकी पुराने दोस्त सोमू, शंकर और सैमुअल उसे राजम की पूंछ कहकर चिढ़ाने लगते हैं और स्वामी की उनसे लड़ाई हो जाती है। स्वामी को काफी बुरा लगता है। वो परेशान होकर मनी से उनकी शिकायत करता है। मनी स्वामी की खातिर उन तीनों से लड़ पड़ता है। बात हेडमास्टर तक भी पहुंच जाती है। अब 3 हफ्ते बाद मनी और स्वामी फिर से राजम के घर जाते हैं, क्योंकि राजम ने उन्हें कुछ सरप्राइज देने के लिए इनवाइट किया था। जब वो दोनों राजम के घर पहुंचते हैं तो सोमू, शंकर और सैमुअल वहां पहले से ही मौजूद थे। इस बार राजम ने बढ़िया तोहफे और दोस्ती पर भाषण देकर सबकी आपस में दोस्ती करवा दी। अगले चैप्टर में स्वामी की माँ की तबीयत खराब है। वो 2 दिनों से बिस्तर पर ही है। स्वामी को लगता है उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दे रही है। फिर उसकी दादी उसे बताती है कि जल्द ही उसका भाई आने वाला है, पर स्वामी को इस खबर से कोई विशेष खुशी नहीं हुई। स्वामी उस रात दादी के कमरे में सोता है और रात भर अपनी माँ के कमरे में चल रही चहल पहल सुनता है। वो एक डॉक्टर को भी अपनी माँ के कमरे में जाते देखता है, पर हर चिंता से मुक्त होकर वो आराम से दादी के साथ सो जाता है। अगले दिन स्कूल में वो सैमुअल को अपने अजीब से दिखने वाले छोटे भाई के जन्म के बारे में बताता है। सैमुअल हंस कर उसे कहता है कि वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। स्वामी के अप्रैल में एग्जाम्स होने वाले हैं और उससे 2 हफ्ते पहले उसके पिता पढ़ाई को लेकर और सख्त हो जाते हैं। वो स्वामी से कहते हैं कि अगर वो फेल हो गया तो उसके सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। अब स्वामी सीरियस होकर पढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा दिक्कत मनी को हो रही थी पढ़ाई में। वो स्कूल के क्लर्क को पटाकर एग्जाम्स के क्वेश्चंस पता करने की कोशिश भी करता है। एग्जाम से बस 2 दिन पहले स्वामी एग्जाम में काम आने वाली चीजों की लिस्ट बनाता है। वो केवल 5 चीजों के बारे में ही सोच पाता है। फिर लिस्ट देखकर खुद ही उदास हो जाता है कि उसकी जरूरतें कितनी कम हैं। फिर वो अपनी लिस्ट जबरदस्ती बड़ी करता है और जब उसके पिता उसकी लिस्ट को देखते हैं तो उसे निरर्थक बताते हुए जरूरत की चीजें अपनी डेस्क से लेने को कहते हैं। अगले चैप्टर में स्वामी एग्जाम देकर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर चिंता करता है,
कि उसने क्यों इतनी जल्दी अपना पेपर दे दिया। बाकी बच्चे तो अब भी लिख रहे थे। एक क्वेश्चन जिसमें उसने काफी छोटा आंसर लिखा था, उसका बाकी सारे बच्चों ने काफी डिटेल में आंसर लिखा। स्वामी सबको झूठ बोलता है कि उसने भी बड़ा आंसर लिखा है। फिर स्कूल में छुट्टियां अनाउंस हो गईं, सारे बच्चे बहुत खुश थे। छुट्टियों में स्वामी ने अपने मनोरंजन के लिए एक तांगे वाले को एक पहिया बना लाने के लिए पैसे जुगाड़ के दिए, पर उसने स्वामी को ठग लिया। ये बात जब स्वामी ने अपने दोस्त मनी और राजम को बताई, तब राजम ने प्लान बनाया कि मनी पहले तांगे वाले के बेटे से दोस्ती करेगा, फिर उसे किडनैप कर लेगा। पर ये प्लान उन पर उल्टा पड़ गया और तांगे वाले के पड़ोसी मनी और स्वामी को पत्थर मारकर और उनके पीछे कुत्ते छोड़कर उन्हें वहां से भगा देते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने नॉवल के 10 चैप्टर्स कवर किए हैं। अगले 9 चैप्टर्स के लिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना ना भूलिएगा।